नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में नमस्कार साथियों मैं रोमेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का स्वागत करता हूं कल से आपकी साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं मैथ्स की भी स्टार्ट हो गई हैं इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट की क्लासेज आपको दी जाएंगी डेली हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे आज साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के साथ आपको आज डिस्कस कराया गया है अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैप्टर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दी जाएगी वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे उपयोग होता है कहां-कहां पर विज्ञान का प्रयोग किया जाता है उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा की जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनको भी आपको बताया जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग कहा जाता है मानव जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता है मानव जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो विज्ञान के प्रभाव से अछूता है हर क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव है कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है जहां पर विज्ञान का यूज ना हुआ हो भौतिक विज्ञान में होने वाली जिस प्रगति ने आज की गुण को प्रभावित किया है उसका विवरण निम्नलिखित है तो देखेंगे विज्ञान का सबसे ज्यादा उपयोग कहां कहां पर होता है पहला है कृषि के क्षेत्र में पहला क्या है कृषि के क्षेत्र में दूसरा है अनुसंधान के क्षेत्र में तीसरा है भवन निर्माण के क्षेत्र में चौथा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पांचवा है परिवहन संचार व जल संसाधन के क्षेत्र में इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इन सभी का डिस्कस थोड़ा थोड़ा आप अच्छी तरीके से कर लेंगे इसमें बताने की जरूरत नहीं है सभी के बारे में आप डिस्कस अच्छी तरीके से कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसे सिर्फ उसी पर फोकस किया जाएगा तो कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान क्या योगदान है कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है क्यों कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं कृषि करके अपना जीवन यापन करते इसीलिए भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है इसीलिए इसे अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है आज विज्ञान की देन है कि हमारी कृषि में कृषि के क्षेत्र में अनेक यंत्र और तकनीक का विकास हो गया है कई सारे यंत्र औजार डेवलप हो गए हैं जिसके कारण कृषि करना बहुत ही आसान हो गया कई सारी कीटनाशक कई सारी दवाइयाँ कई सारी खादें जिससे हमारी फसल दो गुना पैदा होने लगी दो गुना तीन गुना चार गुना तक होने लगी है अच्छी सी अच्छी फसल तैयार होने लगी है बहुत ही कम मेहनत में फसल अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है ये सब विज्ञान की देन है और देश अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है पहले क्या होता था बाहर से मंगाना पड़ता था अन्न आज क्या हो रहा है हम यहाँ से अन्न अपने देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं ज्यादा पैदा होने की वजह ज्यादातर पैदा हो ज्यादा पैदा हो, पैदावार हो, तो होने लगी है जिससे क्या करते हैं अन्न को हम दूसरे देश में बेच देते हैं उन्नत प्रकार के शोधित बीज यूरिया सुपरफास्ट फेट जैसे रासायनिक उर्वरक के द्वारा कृषि उपज बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है कई सारे उन्नत प्रकार के हाइब्रिड बीज बनाए जा रहे हैं लैब में यूरिया सुपरफास्ट फेट जैसे कई सारे रासायनिक उर्वरकों द्वारा कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है कई सारे यंत्र के साथ साथ हाइब्रिड बीज का भी लैब में शोधन किया जा रहा है यूरिया है सुपरफास्टेट है कई सारी उर्वरकों का यूज किया जा रहा है जिससे क्या होती है कृषि उपज में बढ़ोतरी होती है दो गुना तीन गुना तक कृषि उपज हो रही है आगे देखेंगे आधुनिक कृषि उपकरणों उन्नतशील बीजों उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के द्वारा कृषि उपज में आसातीत आसातीत वृद्धि मतलब अधिक से अधिक को हरित क्रांत कहते हैं समझ में ज्यादातर साइंस की देन क्या है आजकल साइंस की देन की वजह से आधुनिक कृषि उपकरणों उन्नतशील बीजों उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आसाती वृद्धि अधिक या आप कह अधिक से अधिक वृद्धि को हरित क्रांत कहते हैं इसी को हरित क्रांत कहा जाता है विज्ञान so, की देन है कि हरित क्रांत आई विज्ञान की वजह से हरित क्रांत का जन्म हुआ फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में हरित क्रांत से क्या तात्पर्य है क्या अभिप्रयाय है तो हरित क्रांत अभी हमने ऊपर बताई है डिफिनेशन हरित क्रांत क्या होता है या आप वही डिफिनेशन लिख दीजिए या आप आगे देखिए हरित क्रांत से अभिप्राय कृषि उत्पादन से होने वाली उस भारी वृद्धि से है क्या कहा है इन्होंने कृषि उत्पादन से होने वाली उस भारी वृद्धि से है ये भारी वृद्धि क्यों हो रही है विज्ञान की देन है जो कृषि की नई नीतियों को अपनाने के कारण हुई है जो कृषि की नई नीतियों का मतलब है नए नए बीज नए नए उर्वरक खाद इन सभी का प्रयोग करके और कई सारी नीतियों को अपनाने के कारण हुई है जिससे हमारे देश में हरित क्रांति का जन्म हुआ तो फिर से देखेंगे हरित क्रांति से अभिप्राय कृषि उत्पादन से होने वाली उस भारी वृद्धि से है जो कृषि की नई नीतियों को अपनाने के कारण हुई है सभी को याद हो जाना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है हर बार देखने को मिलता है कि हरित क्रांत से क्या तात्पर्य है हरित क्रांत के जनक कौन है भारत में जनक कौन है ये सभी क्वेश्चन इससे बनते हैं इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है फिर आगे देखते हैं सन उन्नीस सौ साठ ईस्वी में ईस्वी के बाद देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांत के साथ नया दौर आया सन उन्नीस के पहले इतना जागरूक नहीं था 1960 के बाद धीरे 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 धीरे, धीरे प्रोग्रेस हुई विज्ञान में जिससे देश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के साथ साथ एक नया दौर का विकास हुआ सब्या? हरित क्रांति के जनक नोबल पुरस्कार विजेता ये आपको याद रखना है हरित क्रांति के जनक कौन है प्रोफेसर अर्नस्ट बोलड क्या याद रखना है प्रोफेसर अर्नस बोलडॉग कौन है प्रोफेसर बोल्डाग को हरित क्रांति के जनक माना जाता है अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है सभी को याद रहना चाहिए कि हरित क्रांति के जनक कौन है प्रोफेसर अर्नेस्ट बोल्डाग। अगर आप देखेंगे कि उसमें भारत लगा हुआ है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो वो आता है हरित क्रांत के जनक हरित क्रांत के भारत में कौन जनक है हरित क्रांत क्या होती है समझ में फिर आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन दूरस्थ शिक्षा से आता है कि दूरस्थ शिक्षा में संचार माध्यम क्या क्या होता है अगर दूरस्थ शिक्षा है तो उसमें क्या संचार माध्यम होने चाहिए क्या क्या संचार के माध्यम होते हैं आप घर में बैठे हैं इस टाइम कोरोना के टाइम में तो दूरस्थ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं मोबाइल के जरिए इंटरनेट के जरिए तो सेम वही प्रोसेस में दी गई मुद्रित सामग्री श्रव्य दृश्य सामग्री रेडियो एवं दूरदर्शन कंप्यूटर अध्ययन केंद्र रेडियो के जरिए आप कोई भी नॉलेज ले सकते हैं कुछ भी घर बैठे सुन सकते हैं दूरस्थ संचार हुआ है टेलीविजन के जरिए कंप्यूटर के जरिए और मोबाइल आजकल तो हर बच्चे के पास हर घर में पाँच छः मोबाइल तो आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि ऑनलाइन जो ऑनलाइन सुविधा स्टार्ट हो गई है दूर शिक्षा का सबसे ज़्यादा अच्छा साधन माना जाता है घर बैठे आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकते हैं आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं तो दूर शिक्षा में मुद्रित सामग्री सामग्री, रेडियो दूरदर्शन कंप्यूटर अध्ययन केंद्र इन सभी ये संचार के दूर शिक्षा के माध्यम है फिर एक क्वेश्चन आता है सी कौन सा क्वेश्चन आता है सी क्या है संपीडित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं सी ये आप याद रखेंगे CNG इसका पूरा नाम क्या होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस देखते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं CNG हाइड्रोजन मिश्रित गैस होती है कौन सी मिश्रित गैस होती है हाइड्रोजन मिश्रित गैस होती है इस पर एक या एक नंबर में टिप्पणी पूछने को आ जाती है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि CNG का पूरा नाम क्या है अगर आपको इंग्लिश में याद है, तो इंग्लिश में आप लिखिए कंप्रेस नेचुरल गैस या हिंदी में पता है तो आप संपीडित प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं फिर नेक्स्ट देखते हैं संपीडित प्राकृतिक गैस अगर टिप्पणी पूछी जाती है तो टिप्पणी में दो चार लाइन आपको लिखना होता है तो संपीडित प्राकृतिक गैस सी हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है यह गैस पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती है इसमें 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत मात्रा में मीथेन सी एच फोर एथेन सी टू सिक्स तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती है समझ में आए यह गैस तीव्र नीली लौ के साथ चलती है सभी ने देखा होगा इस गैस को जलते हुए यह गैस कैसे जलती है तीव्र नीली लौ के साथ एक बार फिर से देखेंगे संपीडित प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है यह गैस पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती है इसमें 80 प्रतिशत से प्रतिशत तक मीथेन और एथेन होती सी एस फोर एंड सी टू एस सिक्स और अल्प मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती है यह गैस तीव्र नीली लौ के साथ जलती है संपीडित प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं मार्स गैस भी कहते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है मार्स गैस किसे कहते हैं एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं टिप्पणी लिखिए या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है मार्स गैस का नाम लिखिए तो सी को मार्स गैस कहते हैं याद रखना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपको फिगर दिख रहा होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे क्या कहते हैं मार्स गैस कहते हैं समझिए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि आपको यहीं एक पंद्रह बीस मिनट की क्लास में ही आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से याद करा देना कि आप इसको एक बार वीडियो देख लें बस उसके बाद आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं यहीं पर आप इसको याद करके तब जाइए अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगते हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए और यहीं से वीडियो को देखे बस दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर से देख लेते हैं पूरा चैप्टर क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या है चैप्टर में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में इसके बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कृषि के क्षेत्र में हमने डिस्कस किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जो अर्थव्यवस्था है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है भारतीय इसमें अनेक यंत्रों औजारों हथियारों का यूज हुआ है हथियारों का नहीं यूज होता है यंत्र औजार होते हैं इसमें उन्नत प्रकार के बीज यूरिया सुपरफास्ट फेड रासायनिक उर्वरक के द्वारा कृषि द्वार उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता मिलती है सिर्फ आपको क्या याद रखना है हेडिंग ये सारी जितनी भी हेडिंग हैं इन सभी हेडिंग को आप याद रखिए जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको आप याद रखिए इनके बारे में अच्छी तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं तीन से चार लाइन आसानी से लिख सकते हैं इनको बताने की जरूरत नहीं है जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनका डिस्कस कर दिया हरित क्रांत हरित क्रांत से क्या तात्पर्य है यह क्वेश्चन दो में पूछा गया था हरित क्रांत से अभ्राय कृषि उत्पादन से होने वाली उस भारी वृद्धि से जो कृषि की नई नीतियों को अपनाने के कारण हुई है ये आप याद रख लेंगे यह अपने मन से बना कर लिख सकते हैं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है में नहीं ये बना कर नहीं ले सकते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा हरित क्रांत के जनक नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अर्नेस्ट कोई जरूरत नहीं कि आप नोबल पुरस्कार के विजेता लिखें आपको नाम याद होना चाहिए प्रोफेसर अर्नेस्ट बोर्डाग और भारत में अगर पूछ रहा है क्वेश्चन को आप ध्यान जरूर दीजिएगा अगर भारत में पूछ रहा है तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और कुछ नहीं लिखा भारत नहीं लिखा है सिर्फ जनक पूछा हरित क्रांति के जनक बताइए तो प्रोफेसर अर्नेस्ट बोर्डाग बहुत से बच्चे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लिखकर चले आते हैं गलत हो जाएगा अगर भारत पूछेगा तब आप डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम लिखेंगे अन्यथा प्रोफेसर अरिस बोरडा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर पूछेगा दूर शिक्षा में संचार के माध्यम बताइए तो मुद्रित सामग्री दृश्य सामग्री रेडियो दूरदर्शन कंप्यूटर अध्ययन के ये सारे संचार के माध्यम है जो आप घर बैठे दूर शिक्षा ले सकते हैं इनसे फिर लास्ट है प्राकृतिक गैस नेचुरल सी एन जी सी एन जी कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम आप याद कर लीजिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीडित प्राकृतिक गैस इसके बारे में अगर टिप्पणी आती है तो थोड़ा सा आप याद रख लीजिए कि यह हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस होती है यह पेट्रोलियम कुओं से स्वतः निकलती है अस्सी से नब्बे परसेंट मीथेन एथेन और अल्प मात्रा में हाइड्रोकार्बन गैस पाई जाती है और इसकी खासियत क्या है यह गैस जो होती है नीली लौ के साथ जलती है और इसे मार्स गैस भी कहा जाता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है मार्स गैस किसे कहते हैं तो मार्स गैस किसे कहते हैं सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फिगर दिख रहा है आपको सी एन जी को मार्स गैस कहते हैं आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा सभी को याद हो गया होगा कि मार्स गैस क्या होती है कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति के जनक कौन है हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सभी को याद हो गया अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें कहीं भी कोई भी त्रुट प्रॉब्लम या नहीं समझ में कुछ भी आ रहा है कोई टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए आपके कमेंट को तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा आपके कमेंट का फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद